हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में, और यहाँ पर विनर कौन बना है, रनर अप कौन है, थर्ड नंबर पर कौन रहा, साथ ही साथ हम लोग मैस्कट यानी कि शुभंकर कौन है, और गोल्स कितने हुए, ये सब सारी जानकारी कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये करंट अफेयर्स है, तो आप लोगों को ये सारी जानकारी को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 पे। जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हरा कर विश्व कप हॉकी 2023 जीत लिया। तो यहाँ पे जो है चैंपियन बन गया है जर्मनी, जो कि बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हरा करके यह हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, यह जो है एडिशन नंबर कितना था, तो यह 15वां एडिशन था, यानी कि 15th नंबर का ये वर्ल्ड कप था हॉकी का। और ये कहाँ हुआ था, तो ये भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा भारत में हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेज़बान जो है वो भारत ने किया है, और भारत के दो शहरों में भुवनेश्वर और राउरकेला में जो उड़ीसा में है यहीं पर यह मैच हुआ। और ये कब से कब तक हुआ, तो ये हुआ आपका 13 से 29 जनवरी तक के बीच में हुआ, और टोटल टीम जो है वो भाग लिए थे कितना, तो 16 टीमों ने भाग लिया था, तो टोटल टीम जो थे वह 16 थे। और यहाँ पर कितने मैच हुए, तो यहाँ पर जो है मैच हुए 43 मैच, और उसमें से गोल हुए 243, यानी 243 गोल भी हुए, और सर्वाधिक गोल स्कोरर कौन रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह जेरेमी हाइवार्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 9 गोल किए, यानी कि सर्वाधिक गोल स्कोरर जेरेमी हाइवार्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना सा जानकारी को ध्यान रखना ही रखना है। अब हम लोग आगे में देख लेते हैं जो मैस्कट है यानी कि शुभंकर, वो क्या है, वो है ओली रिडले, जो कि एक कछुआ होता है जो कि उड़ीसा में ही बहुत पाया जाता है। तो ये ओली रिडले जो है वह इस हॉकी विश्व कप का शुभंकर यानी कि मैस्कट था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर विनर जो है जर्मनी रहा, रनर अप जो है बेल्जियम, और थर्ड प्लेस पर जो रहा वो नीदरलैंड रहा। तो ये जर्मनी विनर, रनर अप बेल्जियम, और थर्ड प्लेस पे नीदरलैंड की हॉकी टीम रही। फाइनल मैच की बात करते हैं, तो फाइनल मैच का जो है वह कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। यह फाइनल मैच जो खेला गया वह कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया, और बेल्जियम और जर्मनी के बीच फाइनल मैच में निर्धारित 60 मिनट में 3-3 गोल की बराबरी पर मैच खत्म हुआ। फिर पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का चैंपियन बन गया। तो यह निर्धारित 60 मिनट में दोनों टीमों की ओर से 3-3 गोल करके मैच बराबरी पर खत्म हुआ था। फिर पेनल्टी शूटआउट हुआ जिसमें जर्मनी ने जो है वह बेल्जियम को 5-4 से हरा करके पुरुष विश्व कप 2023 का चैंपियन बन गया। और इस प्रकार से जर्मनी 17 साल बाद एक बार फिर से हॉकी विश्व कप का चैंपियन बना, और यह जर्मनी जो है वह 17 ईयर्स के बाद यह हॉकी विश्व कप का विनर फिर से बन गया। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो हॉकी टीम है वह कितने पोजिशन पर रहा, तो वह देखते हैं यहाँ पर। तो हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम 9th स्थान पर रही, यानी कि 9th प्लेस पर इंडिया की हॉकी टीम रही यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वाले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फाइनल मैच है वह कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ, और रनर अप जो रहे बेल्जियम, और विनर जो है जर्मनी, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है मैस्कट यानी कि ओली रिडले, ये भी आप लोगों को याद रखना है, और सर्वाधिक गोल स्कोरर जो वह जेरेमी हाइवार्ड रहा। दोस्तों यहाँ पर जो है भुवनेश्वर और राउरकेला में जो मैच खेला गया, तो उन दोनों स्टेडियम्स के नाम भी देख लेते हैं। तो भुवनेश्वर का जो स्टेडियम है उसका जो नाम है वह कलिंगा स्टेडियम है, और राउरकेला में जो स्टेडियम बना जहाँ पर खेल हुआ हुआ था बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेल हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।